नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और बता दें कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है। पार्टी की ओर से सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाए जाने से निश्चित ही पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया। मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे और सीएम वहां चुनावी जनसभाएं करेंगे। की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निर्णय है उन निर्णयों से का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है और आज चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहां भी चुनाव राज्य हैं उन सब स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी और बड़ी संख्या में हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग भिन्न भिन्न राज्यों में उनको भी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे और अच्छे कामों की सराहना हर राज्य में होती है और इसी नाते पुष्कर सिंह धामी जी की आज डिमांड सब जगह है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कई ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी चुनाव में स्टार प्रचारक लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। उन पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है सीएम धामी पर। बिल्कुल, अगर बात की जाए तीन राज्यों में मुख्यमंत्री जाएंगे और 5 राज्यों में जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव है वो होने जा रहे हैं और जो स्टार प्रचारक के नाम है नामों में एक नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी है और काफी अहम रखा गया है उनका कि वो वहां पर जाके प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं और साथ साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है तो एक कहा जा सकता है कि एक जो निर्णय है काफी ऐतिहासिक है भाजपा की तरफ से और जो तीनों राज्य के जो चुनाव है उसे साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे। आज उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए भी ये कहा है कि अभी फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो उनका शेड्यूल है थोड़ा बिजी है, उसके बाद वो इन तीन राज्यों में जाके प्रचार प्रसार करेंगे और उनके प्रचार प्रसार से जरूर जो पार्टी है भाजपा सरकार वो जरूर मजबूती से वहां पर लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी, क्योंकि और पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया और महेंद्र भट्ट जो अध्यक्ष है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनका जल्द ही जो प्लान है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाने का वो जल्द सामने आएगा और एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में है कि उनका नाम स्टार प्रचारक के जो लिस्ट है उसमें है। और तुषार, ये भरोसा भी है कि जो भरोसा जताया गया है सीएम धामी पर उस पर वो खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, सीएम धामी को जब जब केंद्र सरकार ने भरोसा दिखाया वो उस पर खरे उतरे हैं और उसी के लिए जो भाजपा संगठन है मजबूती से हर जो कहा जा सकता है राज्य हो चाहे वो छोटा निकाय चुनाव हो मजबूती से रजाई करती है, बड़े बड़े नेता उसमें नजर आते हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता भी हो वो भी वहां पहुंचते हैं, कई यहाँ की महिलाएं भी है जो महिला आयोग से यहाँ से जा रही है, कई पदाधिकारी हैं भाजपा संगठन के जो वहां जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इम्पैक्ट अगर इन तीन राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में आया है तो कहीं ना कहीं जो इनका इम्पैक्ट है वो जरूर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और अगर वहां पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर प्रचार प्रसार मजबूती से करेंगे, क्योंकि और भी राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यमंत्री जा सकते हैं वहां पे, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा क्योंकि लोकप्रिय हो चुका है क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से विकास कर रहे तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के जाने से वहां जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और जो तीन राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और इसमें बीजेपी अपनी पकड़ भी बनाना चाहती है, इसलिए पूरी कोशिश कर रही है कि एक भी चूक इस बार ना हो और इसीलिए वैश्विक स्तर पे जो पहचान बनाते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी ही है, इसलिए उनको मैदान में उतारा जाएगा स्टार प्रचारक के रूप में। तुषार,
जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है वो समय समय पर बढ़ रही है, और जिस तरह से वो विदेशी दौरे भी कर रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मेहनत कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व भर में प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे में उनका जो ये 3 राज्यों के दौरा होगा, स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करेंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भाजपा संगठन भी यही चाहता है कि जानता भी है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं इन 3 राज्यों के लिए, क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो वहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगर राजस्थान जाके प्रचार प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि बाय फेस वैल्यू उनकी काफी बड़ी है इन सालों में, और लोग उन्हें उनके नाम से, उनके चेहरे से ही जानते हैं। ऐसे में जो भाजपा पहले से ही जानती है कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण हो सकता है 3 राज्यों के लिए, तो इसीलिए जो मुख्यमंत्री है उनका नाम लिस्ट में आया है स्टार प्रचारक के रूप में, वो 3 राज्यों में प्रचार प्रसार करेंगे, और इसकी तैयारियां अभी फिलहाल जो संगठन रूप से पूरी तरह से बनाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, और जल्द आएगा जब चुनावी मैदान में भी सीएम धामी जो है उतरेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरों में भी आपका रुख करेंगे तुषार। और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से गाय, गंगा और हिमालय को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि गाय का दूध पियो वो फायदेमंद है, गाय का मीट ना खाओ क्योंकि वो नुकसानदायक है। गाय का दूध कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सबसे लाभकारी होता है। वहीं हिमालय को लेकर उन्होंने कहा है कि पहाड़ की संस्कृति एक ईमानदार संस्कृति है और हिमालय हमारा सबसे बड़ा संतरी है जो हमारी रक्षा करता है, इसलिए हिमालय और पहाड़ी संस्कृति की हिफाजत करना या उसको संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अरसे से एक बात की थी कि ये चीजें अलग नहीं है, अगर हम थोड़ा सा बस ये है कि जबान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की जबान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पल्स पोलियो का एक प्रोग्राम चला जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें मुसलमानों में एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, बहरहाल उसमें हमने मस्जिदों के इमामों को और हमारे मदरसों के मौलवियों का हमने इन्वॉल्व किया और उन्होंने जो है उसे बहुत सुचारू रूप से हमारा साथ दिया, यानी हम सबने मिल करके आज पोलियो को खत्म किया। सेकेंडली हम जनसंख्या विस्फोटक, जो जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है, जो लोग ये समझते हैं कि जनसंख्या जो है मुसलमान अपनी जनसंख्या के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा है कि अपनी फैमिली को इतना अच्छा रखिए, फैमिली प्लानिंग कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जागरूकता अब यहाँ पे बता दे कि लाने की कोशिश की जा रही है। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार देखिए, ये नई और अनोखी पहल है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से। जी हाँ, अगर पूरे देश की बात की जाए तो उत्तराखंड में एक ये पहली पहल कह सकते हैं, जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून काजमी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो एक अभियान चलाएंगे गाय और गंगा साथ साथ हिमालय को लेकर, क्योंकि अभी से जो मुस्लिम समाज है वो अभी से यहाँ पर उत्तराखंड में रह रहा है, वो हजारों सालों से भी यहाँ पर रह रहा है। कुछ कम्युनिटी ऐसी है उत्तराखंड में जो मुस्लिम की जरूर है लेकिन हजारों कई पीढ़ियां उनकी यहाँ पर रह चुकी है, ऐसे में उनको भी साथ साथ उनको भी अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। और जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए समुदाय के लोग आ रहे हैं या फिर जो बाहर से यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, उनको समझाया जाएगा अभियान के तहत कि जो गंगा है, जो पवित्र पावनी गंगा है हमारी, तो हमारी संस्कृति है हिंदू धर्म की, साथ साथ जो गाय है, हिमालय है क्योंकि देवभूमि है, ऐसे में यहाँ का कण कण को पूजा जाता है, यहाँ के पेड़ पौधों को पूजा जाता है, ऐसे में उनको समझाया जाएगा कि जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है वो किस हिसाब से है, उन्हें साथ साथ उन्हें जो हिंदू धर्म की जिस तरह से परंपरा है गायों को लेकर, साथ साथ हिमालय को लेकर, माँ गंगा के प्रति जितनी श्रद्धा है हिंदू धर्म की, उसको अभियान के तहत समझाया जाएगा मुस्लिम समुदाय को कि किस तरह से समन्वय बना रहे, दोनों धर्मों के बीच में शांति बनी रहे, भाईचारा रहे बना रहे। और तो कहा जा सकता है कि जो मदरसा बोर्ड में जो अभियान चलाएंगे वो कहीं ना कहीं लाभकारी होगा और साथ साथ जो दोनों धर्म है, जितने भी समुदाय कहा जाए कितने भी धर्म है, उनमें एकता बढ़ेगी और जो उत्तराखंड का विकास है वो उसके लिए जो। और तुषार, ये जो पहल शुरू की गई है वो अपने अंजाम तक अगर पहुंच गई तो जो भी विवाद होता है वो विवाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी।
जी हाँ, जिस तरह से हमने अगर बीते दिनों की बात की जाए तो लव जिहाद जैसा मामला सामने आया था, उसके बाद अगर बात की जाए तो लैंड जिहाद की बात की जाए तो लैंड जिहाद जैसे मामले उत्तराखंड में कभी सुने नहीं गए थे। तो 3-4 महीनों में ये मामले अत्यधिक बढ़े हैं, ऐसे में इनको भी रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों समुदाय आपस में मिलकर रहेंगे, पहले आपस में समन्वय रहेगा तो कहीं ना कहीं जो ऐसे विवाद देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदू लोग काफी जो हिंदू समुदाय के लोग थे काफी आक्रोशित थे लव जिहाद और लव कहा जाता है जो लैंड जिहाद को लेकर काफी आक्रोशित दिख रहे थे, मुख्यमंत्री भी खुद काफी सख्त थे। ऐसे में अगर दोनों बीच समन्वय बना रहेगा और मदरसा बोर्ड की जिस तरह से अभियान चलाएगा, अगर ये सफल रहता है कहीं ना कहीं जो आने वाला उत्तराखंड होगा वो भाईचारा का होगा, जो संविधान में लिखा हुआ है जिस तरह से सभी धर्म एक है वो देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का विकास है, क्योंकि लोग धर्म के मुद्दों पे अक्सर भटक जाते हैं, ऐसे में जो युवा है या फिर कहा जाए जो जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो विकास के लिए सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुओं और मुसलमान मतलब धर्मों के बीच में सोचेंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भाईचारा बने, और ऐसे में जो मदरसा बोर्ड है उनके अध्यक्ष है, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, तो सब यही चाहेंगे कि ये अभियान सफल हो और जो भाईचारा है वो बना रहे। जी जी बिल्कुल, और ये अभियान जो है वो अपने चरम तक पहुंचे ये भी सब लोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहे हैं और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय एक बार फिर से प्रारंभ होगा। इसी के साथ देवभूमि की ओर से सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और राम भक्तों को बधाई दी। देखिए, रामलला का दिव्य भव्य मंदिर जो है लोकार्पित होने जा रहा है, ये पूरे देश के लिए और तमाम सनातन प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। और मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उन्होंने रामलला के बंद दरवाजों को खुलवाने का काम किया था, वहाँ पर जो है गर्भगृह में रामलला को विराजित करने का काम किया था, उसके बाद ये मामला विवाद में आ गया और जो है ये न्यायालय के संज्ञान में चला गया था। और उसी बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, पूरे देश के जो है बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा था कि न्यायालय जो भी फैसला देगा उसका पालन सभी करेंगे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ हमने पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, भगवान राम सभी के हैं, आदि पुरुष हैं। साथ में जिस प्रकार से इतने वर्षों से जो निर्माण कार्य रुका हुआ था वो हमने अपने उसमें दृष्टिपत्र में भी स्पष्ट कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर हमने वो पूरा भी किया, वो वादा जो जनता से किया था वो पूरा किया। आज राम मंदिर जो है निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है और सब लोग पूरे भारतवर्ष के लोग जो अपने आस्था के प्रतीक हैं प्रभु राम के जो है उसके दिव्य दरबार में जाएंगे और जरूर उसमें आशीर्वाद लेंगे। ये सब हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शुभ सूचना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो बरसों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। डोईवाला में परवा दून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित कुणाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि डोईवाला चौक पर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और गौरव चौधरी ने कहा कि एक तरफ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत को CBI नोटिस देकर परेशान कर रही है, साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार तमाम सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है। घोटाले बाजू की सरकार है। अभी सबने देखा कि कुछ न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको CBI जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एक किसान की शिकायत पर टीम ने नानकमत्ता के साधुनगर क्षेत्र के पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के विधानसभा नानकमत्ता निवासी किसान ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगा था कि उसने अपने खेत में धान की रोपाई की थी और जब धान पकने के बाद वो कटने गया तो गुरदीप कौर और उसके परिवार के लोगों ने उसे धान काटने से रोक दिया। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा उपजिलाधिकारी और तहसील सितारगंज को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधुनगर सरोजा के पटवारी त्रिलोचन दयाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है। और उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार की तारीफ की। पूर्व सीएम ने कहा है कि राज्य में विकास के लिए निवेश की अहम भूमिका रहती है। पूर्व सीएम ने आगे कहा है कि राज्य में निवेश करने वाले निवेशक सीधे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सीएम सीधे निवेशकों से मिल रहे हैं, उनका लाभ राज्य को मिलेगा। तो जीआईएस समिट होने वाले हैं दिसंबर में और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, चाहे वैश्विक स्तर की बात की जाए या देश की बात की जाए, हर तरफ जाके निवेश बुला रहे हैं। और ऐसे में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि निवेशक जहां सीएम से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, तो इधर विपक्ष इधर उल्टा ही है। इधर सीएम जो है वो निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और इसीलिए वैश्विक स्तर पर उनकी सराहना हो रही है। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने लक्सर में चकबंदी विभाग कार्यालय में छापा मारा और चकबंदी लेखपाल वीरपाल को किसान से 7,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगो हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि चकबंदी विभाग भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा बदनाम रहा है। जानकारी के अनुसार लेखपाल द्वारा डोसनी के किसान से कृषि भूमि के काम के बदले 7,500 रिश्वत मांगी गई थी। किसान की शिकायत पर विजिलेंस अधिकारियों ने लेखपाल को रेड हैंडेड पकड़ लिया और बता दें कि प्लानिंग भी इसके लिए की गई थी। तो लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले पर रिश्वत लेते हुए लेखपाल रंगे हाथ पकड़े गए हैं और ऐसे में बता दें कि किसान द्वारा विजिलेंस टीम को इसकी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके लेखपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7,500 रुपये रिश्वत मांगे गए थे और इसके बाद से रंगे हाथ उनको पकड़ लिया गया है। तो लेखपाल की गिरफ्तारी लक्सर से हुई है। चकबंदी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल की गिरफ्तारी की है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरीके के मामले निकल के सामने आते थे, शिकायत आती थी और इसके बाद से विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने गंगोत्री बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन किए। वहीं एफआरआई में आयोजित वन विभाग के सेमिनार में भी शामिल हुए। तो दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर जगदीप धनखड़ थे, सहपरिवार पहुंचे थे और वहां पर जाके उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन भी किए थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की शिष्टाचार भेंट की, तो गंगोत्री बद्रीनाथ के दर्शन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान किए। लेकिन निर्णय कर और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस
और भाजपा ने उद्यान प्रकरण को लेकर स्पष्ट किया है कि पार्टी न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है और किसी भी जांच के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सरकार करवाए या न्यायालय, सभी जांच का स्वागत पार्टी करती है। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में किसी भी मामले में जरा सा भी संदेह होने पर जांच की जा रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि न्यायालय के निर्देश पर सरकार राय लेकर उचित निर्णय लेगी और दोषियों को दंड मिलना है। स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का। और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी चाहे सरकार जांच कराए चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। तो न्यायालय के निर्णय पर अब जाएगी, बता दें भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे यहाँ पे महेंद्र भट्ट ने कह दिया है, उद्धान प्रकरण को बीजेपी का दावा है। और ऐसे में बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये महेंद्र भट्ट का कहना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया था कि एनसीईआरटी समिति ने किताबों में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विस्ट ने कहा है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ देश जुट रहा है। देश का युवा, मातृशक्ति, गरीब किसान और जवान आशा और उम्मीद से इंडिया गठबंधन को देख रहा है। सरकार को इंडिया के नाम से ही परहेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ देश जुड़ रहा है, देश का युवा जुड़ रहा है, देश की मातृशक्ति जुड़ रही है, देश का गरीब किसान और जवान जो है आशा और उम्मीद से इंडिया गठबंधन को देख रहा है। अब जो है सरकार को इंडिया के नाम से ही परहेज हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया का नाम आप कहां कहां से हटाते हैं, देश के लोगों के दिल से भी आप इंडिया का नाम मिटा सकते हैं या नहीं मिटा सकते। इस साल का अंतिम ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण रात करीब 1:05 से 2:24 तक लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम 4 बजे से लग जाएगा और ये ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। इस ग्रहण को लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित प्रतीक मिश्रपुरी का कहना है कि ग्रहण का प्रभाव अरब देशों पर भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो युद्ध इसराइल और हमास के बीच में चल रहा है या फिर यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है वो भविष्य का में बदलता दिखाई देगा और युद्ध की विविधता में कमी आने की संभावना है। इस ग्रहण का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक और मेष राशि वालों के लिए हानिकारक होने वाला है। तो बता दें कि ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि ग्रहण जो है वो पूरे अरब देशों में भी दिखाई देगा और जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां पर विविधता भी नजर आएगी। तो ग्रहण का प्रभाव अब अरब देशों में भी दिखेगा और साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में और भी सतर्कता लोगों को बरतने की जरूरत है। रात को 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। इसके जो प्रतीक है अरब देशों में भी देखने को मिलेंगे, इसके प्रभाव अरब देशों में भी दिखाई पड़ेंगे, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध हो या फिर जो युद्ध अभी देखने को मिल रहा है उस पर भी विविधता इसकी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।